हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा पैराजंबल ट्रिक्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बैंक पीओ क्लर्क और पीओ और दूसरे सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम्स हैं उनमें डेफिनेटली ये पूछा जाता है, प्री में भी और मेन्स में भी। तो इस वीडियो क्लास को प्लीज़ एंड तक देखिए, इसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराजंबल ट्रिक्स बताऊँगा। पैराजंबल ट्रिक्स बेसिकली क्या हैं? पैराजंबल ट्रिक्स जो हैं वो लॉजिक्स हैं और पैराजंबल में लॉजिकल रीजनिंग का ही आपका टेस्ट होता है कि किस तरीके से आप लॉजिकली सोच सकते हैं। अब देखिए, ये एक पैराजंबल है और एक ये रियल पैराजंबल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सेंटेंसेस दिए हैं ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। लेकिन ये जंबल्ड हैं, ये आपस में मिले हुए हैं, ये प्रॉपर एक पैराग्राफ नहीं बनाते। तो इन सेंटेंसेस को किस तरीके से आपको सीक्वेंस में रखना है, क्या उसका लॉजिक होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और उस लॉजिक को यदि आप फॉलो करते हैं तो ना केवल आपका टाइम बचेगा बल्कि एक्यूरेसी आपकी 100% रहेगी, ठीक है। अब देखिए, एक्चुअली पैराजंबल्स में क्या होता है, एक लॉजिक क्या है कि नॉर्मली हम जैसे कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले नाउन को हम लिखेंगे, उसके बाद हम प्रोनाउन को लिखेंगे, क्योंकि प्रोनाउन का काम होता है नाउन को रिप्लेस करना। जैसे यदि मैं बोलूं कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, ठीक है, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, और उसके बाद यदि मेरे को उनके बारे में कुछ और बोलना है तो मैं बोलूँगा दे नो ईच अदर वेल, या दे आर गुड फ्रेंड्स, या दे स्टडी इन द सेम स्कूल। तो पहले मैंने राम एंड श्याम बोला, उसके बाद मैंने दे बोला, दे शुरू में नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। तो एक तो ये लॉजिक निकल के आया कि पहले नाउन एंड प्रोनाउन को आपको यूज़ करना है, उसके बाद प्रोनाउन को यूज़ करना है। अब प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? प्रोनाउन ही है, शी है, इट है, दे है, वी है, अस है, सच है। सच भी एक प्रोनाउन है जो कि नाउन के स्थान पर आता है। तो पहले नाउन नहीं आएगा, पहले पहले नाउन आएगा, उसके बाद प्रोनाउन आएगा, पहले प्रोनाउन नहीं आएगा। एक तो ये लॉजिक याद रखना है। दूसरा एक नॉर्मल लॉजिक होता है वो ये होता है कि किसी भी चीज़ का फुल फॉर्म नॉर्मली हम पहले रखते हैं, उसके बाद हम बाद में उसका शॉर्ट फॉर्म रखते हैं। जैसे यदि मैं SC लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे BCG लिखा है, तो BCG तो शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म कहीं पर पहले आया होगा। यानी ये जो सेंटेंस है ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकता। देखिए, इसमें प्रोनाउन दिया गया है दे, यानी ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं बन सकता। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पैराग्राफ को सीक्वेंस में रखने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट सेंटेंस कौन सा हो सकता है ये डिटरमिन करना पड़ेगा, ये फिगर आउट करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा कि लॉजिकली फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, कहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस निकालने के लिए जो सेंटेंसेस फर्स्ट नहीं हो सकते उनको आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से रफली मैंने इस सेंटेंस को एलिमिनेट कर दिया कि चूंकि इसमें दे आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, तो इसका जो रिलेटेड नाउन होगा वो कहीं ना कहीं पहले आया होगा, तो इसलिए सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता। इसमें शॉर्ट फॉर्म आ रही है यानी इसका फुल फॉर्म पहले आया होगा, तो ये फर्स्ट फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए कुछ वर्ड और हैं, जैसे यहाँ पर एक वर्ड दिया है 10। 10 का मतलब होता है इस प्रकार, जैसे यहां पर इस सेंटेंस को यदि आप पढ़ें, द फर्स्ट टीबी वैक्सीन वॉज 10 बॉर्न, और इस प्रकार पहला टीबी वैक्सीन की खोज की गई, और इस प्रकार पहले टीबी वैक्सीन की खोज की गई। इस प्रकार मतलब किस प्रकार, यानी जो किस प्रकार है वो इससे पहले आना चाहिए, क्योंकि बाद में ही तो हम कंक्लूड करेंगे किसी सेंटेंस को, फर्स्ट सेंटेंस में हम थोड़ी कंक्लूड कर देंगे, सेंटेंस को हम बाद में कंक्लूड करेंगे। यानी ये सेंटेंस इस कीवर्ड के बेस पर मैंने ये बता दिया कि ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर इस सेंटेंस को मैंने एलिमिनेट कर दिया, इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया, किसके बेस पर? शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म के बेस पे इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया इसके बेस पर। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है, यहाँ पर एक कीवर्ड आया है दिस प्रोवर्ब, ये कहावत, लेकिन कौन सी कहावत, उसका रेफरेंस पहले आना चाहिए। यानी ये कीवर्ड हमें बता रहा है कि ये सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। सारे सेंटेंस मैंने एलिमिनेट कर दिए लॉजिक के बेस पे। और जब आप लॉजिक इस्टेब्लिश करते हैं इंग्लिश सेक्शन में, सभी सेंटेंसेस में, सभी टॉपिक्स में, तो आपके सेंटेंस गलत हो ही नहीं सकते। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी एक प्रोनाउन आ रहा है सच, यहाँ पर भी देखिए एक प्रोनाउन आ रहा है सच। मैं ये मानता हूँ कि कभी कभी पैराजंबल बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, और ये पैराजंबल मैंने जो लिया है ये रियल पैराजंबल है, ये एग्जाम में पूछा गया है, ये रियल पैराजंबल है, और सेम इसी तरीके के पैराजंबल्स आपको देखने को मिलेंगे बैंक पीओ और क्लर्क में। और यही यूनिवर्सल टेक्निक्स हैं पैराजंबल को सॉल्व करने की, ऐसे ही आपको पैराजंबल को करना है। ये एक फूल प्रूफ टेक्निक है
और इससे आपकी ना केवल एक्यूरेसी आएगी बल्कि आपका टाइम भी इससे बचेगा। ठीक है, तो मैंने सारे सेंटेंसेस निकाल दिए। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि फर्स्ट सेंटेंस ये होगा। तो अब यहां पर मैं श्योर हूं कि फर्स्ट सेंटेंस यही होगा, और इसलिए भी इसमें श्योर हूं कि जो जब भी कोई पैराग्राफ स्टार्ट होता है, पैराजंबल बेसिकली एक पैराग्राफ होता है, ठीक है, जंबल्ड पैराग्राफ होता है, तो पैराग्राफ जो नॉर्मली फर्स्ट पैराग्राफ जो स्टार्ट होगा वो कहां से होगा, एक टाइटल सेंटेंस स्टार्ट होगा, उसमें एक शुरू में एक टाइटल होता है। तो ये टाइटल जैसा भी लग रहा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और बाकी सेंटेंस इलिमिनेट कर दिए इसलिए भी यही सेंटेंस फर्स्ट बनेगा। ठीक है, तो दो पैरामीटर में मैंने इसको मेजर कर लिया, इस पूरे पूरे पैराग्राफ को, कि यही सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है। ठीक है, तो इसको हम पहले लेते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी सी जो सेंटेंस है यहां से आपका पैराग्राफ स्टार्ट होगा, फर्स्ट सेंटेंस सी से बन जाएगा। अब इसमें देखिए, दिस प्रोवर्ब, ये एक कहावत है, ये एक प्रोवर्ब है, तो इसका रेफरेंस यहां पर आया है, यानी सी और ई ये लॉजिकली कनेक्टेड हैं। इट मींस वी कैन से दैट दे मेक अ वेरी गुड मैंडेटरी पेयर। ये एक मैंडेटरी पेयर है, मैंडेटरी पेयर का मतलब है कि लॉजिकली ये दोनों सेंटेंसेस कनेक्टेड हैं। तो यहां पर सेकंड क्या आ जाएगा, ई। ठीक है, सी और ई, क्योंकि यहां पर दिस आया है सी के लिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस में पिक करूंगा वो इसमें से कोई कीवर्ड लूंगा, यानी इसका रेफरेंस क्या आएगा वो मैं लूंगा। देखिए, द फील्ड इम्यूनोलॉजी अटेम्प्ट्स टू प्रैक्टिस दिस प्रोवर्ब एंड ट्राई टू स्टॉप द इन्वेडिंग जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी एंड कॉजिंग द डिजीज। यानी यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, कि एक ऐसी दवाई होना चाहिए, एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिससे इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सके और जर्म्स बॉडी में जो जर्म्स घुसते हैं उससे लड़ा जा सके। यहाँ पर एक कीवर्ड, और देखिए, इन्वेडिंग जर्म्स, इन्वेडिंग मतलब जो अटैक करते हैं, तो उन अटैक करने वाले जर्म्स को रोकने के लिए कुछ कुछ प्रोडक्ट या कुछ दवाई होनी चाहिए। अब देखिए, सक्सेस इन प्रोड्यूसिंग सच अ प्रोडक्ट मतलब कैसा, जो कि जो जर्म्स अटैक करते हैं बॉडी पर उसको रोक सके। ठीक है, तो सच एक्चुअली इसी के लिए आया है, इस तरह के प्रोडक्ट के लिए आया है जिसकी जिसकी चर्चा प्रीवियस सेंटेंस में हुई है। तो सक्सेस इन प्रोड्यूसिंग सच ए प्रोडक्ट विच कैन प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट टीबी केम अबाउट थ्रू द वर्क ऑफ टू फ्रेंच वैक्टेरियोलॉजिस्ट, अल्बर्ट कैल्मिटो एंड कैमिली गैरी। ठीक है, तो इसके बाद आप ये वाला सेंटेंस जोड़ सकते हैं, यानी सी ई एफ यहां पर आप जोड़ सकते हैं। और देखिए, ये जो व्यक्तियों के नाम हैं, ये जो साइंटिस्ट के नाम हैं, इनका रेफरेंस आया है दे में, इनके लिए ही हमने यहां पर वर्ड यूज किया है दे। जैसे मैंने बताया था कि राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, दे स्टडी इन द सेम क्लास। ठीक है, तो ये दे जो वर्ड आया है ये इसी के लिए आया है। तो इसके बाद हम क्या रख देंगे, ए रख देंगे। अब देखिए, दे केम आउट विद द प्रोडक्ट कॉल्ड वैसिलस कैलीमेटो ग्रीन और बीसीजी। ये लॉन्ग फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म आया है यहां पर, व्हेन बीसीजी वाज इंजेक्टेड। पूरी तरीके से लॉजिक में बता रहा हूं, यानी इसके बाद यहां पर देखिए, इसके लिए ये आया है, ये बीसीजी। ठीक है, तो ए के बाद क्या सेंटेंस रख देंगे आप, बी रख देंगे, और बी के बाद रख देंगे डी। और इस प्रकार पहले टीबी वैक्सीन की खोज हुई। चूंकि 10 से हम कंक्लूड करते हैं, इसलिए ये सेंटेंस ही लास्ट सेंटेंस बन सकता है। तो हर तरह से मैंने देख लिया इसको। अब देखिए, अब ये जो आपका जो आंसर आया है, ये बहुत कम समय में निकाल सकते हैं, यदि आप इसको तेजी से सोचें और तेजी से करें तो सेकेंड्स में ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा। और ये जो आंसर होगा ये 100% एक्यूरेट होगा, जो कि एग्जाम्स में जरूरत पड़ती है। अब इसके बेस पर कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, फर्स्ट सेंटेंस है इसमें सी, फर्स्ट सेंटेंस है इसमें सी। लेकिन सी क्या, सी सी की पोजीशन पर है, नहीं, सी सी की पोजीशन पर नहीं है, सी जो लिखा गया है वो ई के स्थान पर लिखा गया है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर ई होगा, क्योंकि सी को ई के जगह रखा गया है, ई ऑप्शन में रखा गया है सी को। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको भी आप ध्यान रखिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ई होगा। अब देखिए, थर्ड सेंटेंस कौन सा है, थर्ड सेंटेंस हम देख लेते हैं, सी ई एफ। ठीक है,
अब एफ की पोजीशन क्या है? एफ की पोजीशन है बी, तो इसका आंसर बी होगा क्योंकि बी में एफ को रखा गया है। ठीक है, अब देखिए एक ये नए पैटर्न का सेंटेंस है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द पेयर ऑफ करेक्टली ऑर्डर्ड सेंटेंसेस। करेक्टली ऑर्डर्ड सेंटेंसेस कौन कौन से हैं? तो यहां पर मैं पूरा पेयर जो हमारा निकल के आया है वो उसको मैं लिख लेता हूं, सी ई एफ ए बी और आपका डी, ये पेयर निकल के आया है सी ई एफ ए बी डी। तो कौन कौन से पेयर बन सकते हैं इसमें? इसमें ई एफ और ए बी बन रहे हैं, ये ई एफ और ए बी, ई एफ और ए बी दिया है इसमें, ठीक है, ई एफ और ए बी दिया है, डी इसमें आपका सही आंसर होगा। ये एक नए पैटर्न का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन न केवल क्लर्क में बल्कि पी ओ एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लास्ट सेंटेंस आपका कौन सा है? लास्ट सेंटेंस है आपका डी और डी दिया है बी में, इसलिए आपका आंसर डी ना होके आपका आंसर होगा बी। ठीक है, ऐसे करा जाता है इन क्वेश्चंस को। सेकंड लास्ट सेंटेंस कौन सा है? सेकंड लास्ट का मतलब क्या है? लास्ट से पहले, लास्ट से पहले कौन सा है? बी। तो सेकंड लास्ट सेंटेंस है आपका, सेकंड लास्ट सेंटेंस है बी, लेकिन बी कहां पर दिया है? बी दिया है ई में, लेकिन आपका, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ई। तो ये है सही तरीका पैराजंबल को करने का। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि आईबीपीएस क्लर्क के लिए मैंने एक पेड टारगेट बैच स्टार्ट किया है, इसकी फीस मैंने नाके बराबर रखी है। वैसे इसकी फीस 1950 है लेकिन 1000 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑफर केवल एक दिन के लिए था लेकिन मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है, आप अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो ये नंबर्स मेरे 24 घंटे खुले रहते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा कॉलिंग का नंबर है, इस पर आप मुझे ज़रूर कॉल करें और मेरा पेड टारगेट बैच ज्वाइन करें और नौकरी हासिल करें, बैंक में नौकरी हासिल करें। इंग्लिश सेक्शन में मैं पूरा पढ़ाऊँगा शुरू से लेकर आखिरी तक, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कोई मैगजीन पढ़नी, ना बुक पढ़नी, ना कोई आपको, ना आपको ऑफलाइन कुछ भी नहीं करना, सारा ऑनलाइन ही मैं पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन ही रिवाइज कराऊंगा, सारी वोकैबलरी, सारी ग्रामर, सारे प्रीवियस क्वेश्चंस, सब कुछ इसमें मैं कराऊंगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस ऑफर को मैंने एक्सटेंड कर दिया है, आप वहां से इस ऑफर को ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी डाउट या क्वेरी है मुझसे आप तुरंत बात करें। और इसी लिंक पर आपको डेमो क्लासेस भी मेरी मिल जाएंगी, तो वहां से डेमो क्लासेस भी आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। Thank you.